नमस्कार दोस्तों, मैं टेक गुरु और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन शॉपिंग बाज पे। आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एंट ऑडियो का वेब स्पोर्ट्स TWS 720। और मैं ये बता देना चाहता हूं ये चाइना मेड नहीं है, ये यूके मेड है। और इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं इसकी क्वालिटी कैसी है और इस कितने में मुझे मिला था और इसकी MRP कितनी है, ये सब इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये एक TWS ईयरफोन है, मतलब ट्रू वायरलेस स्टीरियो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू वायरलेस स्टीरियो। ये आपका दोनों ईयरफोन, एक आप एप्पल ईयरपॉड्स होता है उसी टाइप का ही है ये, इसका फंक्शन भी वही है, वैसा ही है। बट इसकी दाम में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं चलिए आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। ये माइक है इसमें, इसमें IPX5 आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, IPX5 जो कि वाटर रेजिस्टेंस का बेसिकली ये होता है, मतलब ये वाटर प्रूफ नहीं, अगर पानी में ये डूब जाती है तो ख़राब हो सकती है। हाँ, स्वेट रेजिस्टेंट है ये, लाइट वेट है, कॉल म्यूजिक दोनों होगा और वायरलेस है ये। तो ये वायरलेस, ये ब्लूटूथ वायरलेस ही होता है, ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता है। तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ, इसकी MRP ये देखिए 3499 दी हुई है। बट ये मुझे अमेजन पे सेल के टाइम पे 999 रुपीज़ में ही मिला था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो ये देखिए, ये एक आपका, ये इसका चार्जिंग केस है और ये दोनों ईयरबड्स हैं। और इसके अंदर में डब्बे में और आपका एक ये वेलकम लेटर है और एक आई थिंक यूज़र मैनुअल है, इसको आप कैसे करके ये करेंगे, इसको आप ये पढ़ लीजिएगा क्या है नहीं है और कैसे इसको पेयरिंग करना है। और इसमें बाकी और कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट होने पे आप इसके YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कुछ पेयरिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं। तो इसको टाइम ना गवाएं, मैनुअल को अपने साइड में रखते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसा ये आपका ब्लूटूथ ईयरफोन है और कैसी इसकी आवाज़ है और कैसी इसकी क्वालिटी है और इसमें कैसी लाइटिंग वाइटिंग भी है। इसका लाइटिंग भी मैंने सुना बहुत अच्छा क्वालिटी का है। चलिए इसको डब्बे से बाहर करते हैं। ये देखिए ऊपर एक QR कोड लिखा हुआ है, ये QR कोड में बेसिकली है हाउ टू पेयर वेब स्पोर्ट्स TWS 720। तो आजकल जनरली सबको अपने ब्लूटूथ हेडसेट को तो पेयर करना जानता ही है, बस इसको बेसिकली सबसे पहले पावर ऑन करना पड़ेगा। ये ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स से निकला है तो इसको सबसे पहले इस बटन को प्रेस करके पावर ऑन करना होगा। अगर बटन नहीं भी प्रेस करेंगे तो ये चार्जिंग केस में देख लीजिएगा, ये चार्जिंग केस में आप इसको पुट कीजिएगा आई थिंक, तो ये ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर नहीं होती है तो इसको बटन को प्रेस करना। ये देखिए चार्जिंग केस में जाते ही इसकी LED रेड हो गई, मतलब ये अभी चार्जिंग मोड पर है। इस डब्बे को बंद कर दिया, यहाँ पर ये कलर ब्लू है और ये जैसे चार्ज हो जाएगी ये LED अपने आप ब्लू कलर का ये चला जाएगा। और इसको जैसे आप ये डिस्चार्ज हो, ये आपको ईयरफोन को ये टोटल आई थिंक 300 mAh का है और ये दोनों 50-50 mAh का है। तो बेसिकली इसका जो रन टाइम है ये आपको दोनों कानों में 3 घंटे का बैकअप दे सकता है और चार्जिंग आप इसको 3 बार कर सकते हैं। तो ये टोटल 300 mAh का यूनिट है, तो इसको 3 बार आप चार्ज करके, फुल चार्ज करके तीनों को सुन सकते हैं और एट अ टाइम कभी एक भी यूज़ कर सकते हैं, कभी ये आप इसको दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। एक डिस्चार्ज हो गया तो आप एक चार्जिंग मोड पे डाल के एक भी यूज़ कर सकते हैं। Thank you.
साउंड सुनाता हूँ, ये सुन लीजिए आप। अभी मैं आपको लेफ्ट ईयरफोन का साउंड सुनाता हूँ। अभी मैं आपको दोनों का सुनाता हूँ साउंड कैसा आवाज़ है। आउटपुट सुनिए, इसकी बेस और वॉइस बहुत क्लियर है, और ये एक नॉइज़ कैंसिलेशन भी है, और इसको आप लगा लेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, गाड़ी वाड़ी चलाने के टाइम इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, और अपने लोकल लॉस का हमेशा पालन करें, बहुत ज़रूरी होता है। ईयरफोन को मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कान में लगा के सुनते हैं, वैसा ना करें, बिल्कुल ना करें। जब भी आप गाड़ी चलाएं या कुछ, अपने दिमाग को और कान को खुला रखें। और इसकी साउंड बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्प है। हाँ, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ब्लूटूथ हेडसेट में आपकी गेमिंग में वो साउंड लैग होती है। मैंने इससे कुछ गेम्स खेल के देखा था तो इसमें साउंड लैग आता है, जो कि आपको वायर्ड ईयरफोन में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे ना परचेस करिए। इसे क्या, कोई भी ब्लूटूथ ट्रू वायरलेस ईयरफोन वो कैपेबल नहीं है जो गेमिंग में लेटेंसी दे पाएगी। हाँ, कुछ महंगे ईयरफोन्स आते हैं जिसमें लो लेटेंसी मोड रहता है, बट फिर भी वो वायर्ड ईयरफोन के टक्कर में नहीं होंगे। तो बाकी, और आप इसको, मैं आपको लिंक दे दूंगा तो आप इसे परचेस कर सकते हैं जाके, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सब मेरी पर्सनल आइटम है तो मैं इसलिए आपको इसके बारे में रिव्यू दे रहा हूँ। सब पर्सनल आइटम है, सब मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी है और बहुत ही इसकी अच्छी क्वालिटी है। ये कुछ, ये मेरा सब यूज्ड प्रोडक्ट है, मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ किया हूँ उसको, और इसके बारे में ही तभी आपको सामने रिव्यू कर रहा हूँ। जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको रिव्यू मिलेंगे, कुछ मैंने यूज़ कर लिया बट उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इससे नाराज़ मत होइएगा। और ये तो मैंने यूज़ किया है तो इसके थोड़ा सा देख लीजिए, डब्बा थोड़ा सा शाइन कम कर रहा होगा, ये आप समझिएंगे। ये देख लीजिए, तो ये मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं इसको थोड़ा साफ वाफ करके डब्बे में डाल दिया था। बेसिकली इसको बहुत यूज़ किया हूँ, बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, कान से गिरता नहीं है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये देखिए, ये चार्ज हो रहा है, यहाँ ब्लू LED है, मतलब ये चार्ज हो रहा है, और अंदर लाल LED जलती रहेगी, और जैसे चार्ज हो जाएगा ये दोनों LED बंद हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लाइक और कमेंट भी करें। कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं शॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरी मुझसे कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।